नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। बहुत बड़ी एक खबर आ रही है कि यूपीपीसीएल में जेई की वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, बिल्कुल सितंबर तक आ जाएगी, फर्स्ट या सेकंड वीक तक। जैसे मैंने एनएचपीसी के लिए बोला था, एनएचपीसी की जून फर्स्ट वीक में आ जाएगी और आ गई, सितंबर के सेकंड या लास्ट वीक तक यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई यूपीपीसीएल के जेई के पदों का ब्योरा ले लिया गया है, ठीक है। कितनी पोस्ट किस डिस्कॉम में खाली है उसके लिए जो है वो मांग लिया गया है कि ये बताए यूपीपीसीएल कि उसकी कितनी पोस्ट किस डिस्कॉम में खाली है। दोस्तों जब ऐसी चीज मांग ली जाती है ना कि भाई कि कितने डिस्कॉम में कौन सी सीट खाली है, तो उसके ही कुछ दो तीन हफ्ते बाद, ठीक है, टेंडर दे दिया जाता है। जनरली टीसीएस को ही मिलता है और टीसीएस क्या करता है, उसके दो महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन निकलवा देता है विभाग से, ठीक है, मतलब एग्जाम बनाने में लग जाता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए, जैसे ये क्या चल रहा है, जून चल रहा है ना, तो जून में पदों का ब्योरा मांग लिया गया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर दो महीने लगा लो, क्योंकि अब ये टेंडर ही देंगे सीधा टीसीएस को, ठीक, टीसीएस को दे, इडसिल को दे, ये तो उनकी मर्जी होती है, किसी को भी दे देते हैं ये, ठीक है। लेकिन जनरली यूपीपीसीएल का जो टेंडर होता है वो टीसीएस के ही पास जाता है। अब तो जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो सितंबर में निकलने के बहुत 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 ज्यादा चांसेस है, ठीक, चांसेस क्या है, निकलेगा ही देख लेना, ठीक है, और या फिर अक्टूबर तक निकल जाएगा ज्यादा लेट हुआ तो, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो वैकेंसी है ये लेट किस तरीके से हो सकती है। देखिए दोस्तों, लेट इस तरीके से हो सकती है कि एक ना 6-7 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था कि ना इस बार जो यूपी आर्मिनल की सीट होगी ना वो भी यूपीपीसीएल के साथ ऐड होके आएगी। अब क्योंकि यूपीपीसीएल की भर्ती का ब्यौरा तो मांग लिया गया है, लेकिन यूपी आर्मिनल की भर्ती का ब्यौरा नहीं मांगा गया अभी कि यूपी आर्मिनल में कितनी सीट्स खाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, तो क्या पता यूपी आर्मिनल की भर्ती का ब्यौरा मांगने में थोड़ा समय लग जाए, ठीक है, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि इस बार एग्जाम कंबाइंड होगा। अब ये खबर कितनी सही है कितनी गलत है ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। और शायद यूपी आर्मिनल की वैकेंसी अगर ऐड होती है तो शायद नोटिफिकेशन हो सकता है थोड़ा सा डिले भी होए, अक्टूबर तक भी चला जाए, ठीक है, लेकिन सितंबर तक तो पक्की आनी है। अगर कुछ नोटिफिकेशन डिले हुआ यूपी आर्मिनल की सीट को कंबाइंड ऐड करने का यूपीपीसीएल के साथ, तो शायद अक्टूबर तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पास अभी एनएचपीसी जेई का एग्जाम है, टीएसडीसी का एग्जाम है, ठीक है, इस पे आप पूरे अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपना आधा टेक्निकल अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, फिर आप नए सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जब यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आएगा फिर आप एग्जाम उखाड़ के आराम से ईटीआई में ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सीट्स कितनी आएंगी। देखिए सारे यूट्यूब चैनल वाले, क्योंकि आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं करते, मैं हमेशा ज्यादातर ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, गड़बड़ वाला मेरा हिसाब किताब नहीं है ना, मैं व्यूज के लिए मैंने देखो कभी झूठा थंबनेल भी नहीं बनाया, एग्जैक्ट थंबनेल होता है मेरा। कभी दूसरे यूट्यूब चैनलों पे जाके देखना, थंबनेल इतना बड़ा चढ़ा के बना देंगे और होता अंदर कुछ और है उनके, क्यों उनके मन में खोट होती है, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, ठीक है, कोई मेरा ऐसे नहीं होता बड़ा चढ़ा के कोई उल्टा सीधा थंबनेल बना दिया, ठीक है, मैं बिल्कुल सही बात बोलता हूँ, ठीक है। अब सीट्स कितनी आएंगी, कई यूट्यूबर्स जो बोल रहे हैं वो जानबूझ के बोल रहे हैं व्यूज बढ़ाने के लिए, 400 आएंगी, 500 आएंगी, 300 आएंगी, 350 आएंगी। इसको सबसे अच्छा समझाने का तरीका है, देखिए यूपीपीसीएल में जो सीट्स आएंगी ना, अगर मैं सिर्फ यूपीपीसीएल की बात करूं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि यूपी आर्मिनल की भी कंबाइंड होके आए, उस पर अभी ऑब्जेक्शन है, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। अगर यूपीपीसीएल की सीट सिर्फ कल्ली आई, अकेली आई, ठीक है, तो वो भाई 160 से 180 के ही बीच में रहेंगी। क्यों? अब कई बच्चे लोग मुझे बोलेंगे भाई तू उल्टा बोल रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है, ये डीमोटिवेट करने की बात ही नहीं है भाई, सबको बताया है यूपीपीसीएल है क्राइसिस में, ठीक है। अब 500 750 900 जेई रख लेगा तो उनको तनख्वाह कैसे देगा इतने सारों को, ठीक है, इसीलिए यूपीपीसीएल में कंसिस्टेंटली वैकेंसी डिक्रीज भी कर रही है सालों से। अब मेरे को एक बात बताना, अगर किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी का ग्राफ कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है तो क्या वो डिपार्टमेंट एकदम कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर देगा वैकेंसी? भाई 2018 के बाद से लगातार वैकेंसी गिरती आ रही है, ठीक है ना,
सीधी सी बात है, तो इस बार भी वैकेंसी में गिरावट आएगी। वैकेंसी जो होगी यूपीपीसीएल की 160 से 180 के बीच में ही रहेगी। हाँ 200 250 या 300 तब जा सकती है अगर उसके साथ यूपीआरवीएनएल ऐड होके आए, ठीक है। ये एक अलग कंडीशन है कि अगर यूपी आर्मिनल की वैकेंसी उसके साथ ऐड होके आए, जैसे 6-7 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकला था कि यूपीपीसीएल और यूपी आर्मिनल का कंबाइंड एग्जाम होएगा, ठीक है। तो अब वो कितनी बात सच्चाई है अभी ये तो नहीं ना पता कि वो कितनी बात कंफर्म है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता वैकेंसीज का, ठीक है। तो दो कंडीशन मान के चलो, अगर सितंबर में या अक्टूबर में जो नोटिफिकेशन आया वो ओनली यूपीपीसीएल को करके आया, यानी कि सिर्फ यूपीपीसीएल जेई के साथ आया, यूपीपीसीएल जेई के साथ आया, तो 170 से लेके 160 से लेके 180 के बीच में सीट्स रहेंगी, और यूपीपीसीएल प्लस यूपी आर्मिनल करके आया नोटिफिकेशन तो 250 से 300 भी जा सकती हैं, ठीक है। इससे फालतू नहीं जाएंगी, दोनों को भी ऐड करके आया तो भी 300 से ज्यादा फालतू नहीं जाएंगी। विभाग बहुत तेज होता है, वो इसी तरीके से सीटों की तैयारी करेगा कि अगर दोनों की भी ऐड होके आती है ना 300 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो ये लगा लो अगर दोनों यूपीपीसीएल यूपी आर्मी को ऐड करके आता है तो फिर भी 290 या 300 के अप्रोक्स सीट आ जाएंगी, और मैं चाहता हूं कि दोनों विभाग की सीट ऐड करके ही आए, चाहे थोड़ी लेट आ जाए, बिकॉज यार उससे वैकेंसीज ज्यादा होंगी तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, वैकेंसीज थोड़ी ठीक ठाक देखने को मिलेगी, जनरेशन भी साथ में ऐड हो जाएगा, अभी तक जनरेशन अलग से एग्जाम लेता था, ठीक है। ठीक है, तो ये तो होगी बात, ठीक है। अब कोई भी यहां पे नेगेटिव कमेंट कर नहीं सकता क्योंकि मैंने दोनों कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि अकेला अगर यूपीपीसीएल की वैकेंसी आए तो 160 से 180 के बीच में वैकेंसी होगी, और यूपी आर्मी प्लस यूपीपीसीएल करके आई तो 300 तक जा सकती है वैकेंसी, तब चांस है। अब सवाल यहां पे तीसरा, क्या बीटेक अलाउड होगा? ये सबसे बड़ा एक आजकल बड़ा चला हुआ है कि क्या बीटेक अलाउड होगी। मुझे तो नहीं लगता कि होगी, ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएल में जो अभी तक चला आ रहा है मुझे लगता है कि वही पैटर्न रहेगा, ठीक है, पुराना ही सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। और होगी तो फिर तब तब देखा जाएगा नोटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो नहीं होएगी, ठीक है, 100% चांस है, डिप्लोमा से ही निकलेगा नोटिफिकेशन, जैसे एनएचपीसी का डिप्लोमा से निकला, पावर ग्रिड का डिप्लोमा से निकला, यूपीपीसीएल का भी डिप्लोमा से ही नोटिफिकेशन निकलेगा, 100% डिप्लोमा से ही निकलेगा, ठीक है। और अगर इन केस कोई रूल में चेंजिंग हुई तो भाई डिप्लोमा संघ इतना कोई कमजोर नहीं है, वो भी इस पे आवाज उठाएगा उस टाइम। तो आप बिल्कुल फ्री माइंड से तैयारी करते रहिए, नोटिफिकेशन डिप्लोमा के ही साथ निकलता आया था, डिप्लोमा से ही निकलेगा, ठीक है। कोई और आके वैकेंसी ले जाए ये आज तक ना कभी हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा कभी होता है तो अभी भी जो डिप्लोमा संघ है उसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ये बताने के लिए कि देखो एनएचपीसी में डिप्लोमा होल्डर ही अलाउड था, पीजीसीआईएल में डिप्लोमा होल्डर अलाउड है, पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन में भी डिप्लोमा होल्डर ही अलाउड है, और उत्तराखंड में भी यूकेपीसीएस में भी डिप्लोमा होल्डर ही अलाउड है, ठीक है। तो ये भी एक दी जा सकती हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी काफी सारा जो है वो डिप्लोमा के ही पक्ष में है, क्या बोलते हैं एग्जाम का जो नजरिया है, ठीक है। तो बेफिक्र तैयारी करिए, सितंबर आने वाला है, अक्टूबर आने वाला है, अभी बिल्कुल अच्छे से ना अपने आप को एनएचपीसी टीएसडीसी और कौन सा पेपर है, हाँ एनएचपीसी और टीएसडीसी की वैकेंसी में झंझोड़ दीजिए, तोड़ दो फोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही एनएचपीसी टीएसडीसी होगा बैकअप पे हमेशा एक तो रहता ही है यूपीपीसीएल। थैंक यू।